फाइनली जो लोग बोलते थे कि क्या बात है पवन जी का अपने काम नहीं किया अब तक, तो उनके लिए अच्छी न्यूज है, पवन जी के फैंस के लिए भी अच्छी न्यूज है और मेरे फैंस के लिए भी अच्छी न्यूज है कि मैंने एक और एक स्टार, एक बहुत ही अच्छे कलाकार के साथ काम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। और लोग वैसे ही डरते रहते हैं यार, बड़े स्वीट क्यूट टाइप के हैं वो, बहुत प्यारे हैं। मुझे बहुत लोगों को काम नहीं आता, मैं बहुत सीधे और शार्प शब्दों में बोलती हूँ, जिनको काम नहीं आएगा वो किसी और तरीके से इस इंडस्ट्री में आएंगे तो उनको करना पड़ सकता है, हो सकता है। खेसारी लाल यादव की हीरोइन रक्षा गुप्ता ने पावर स्टार पवन सिंह को लेकर विरोधी को जम के रेला, तो क्या है खबर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बेशक अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के सच्चे फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो आप पूरा जरूर देखिए। देखिए सही बात है कि खेसारी लाल यादव के साथ काम करके रक्षा गुप्ता काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई थी, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म सूर्यवंशम में काम करने के बाद रक्षा गुप्ता का लेवल बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन वहीं पर पावर स्टार पवन सिंह को लेकर रक्षा गुप्ता ने जो बयान दिया है वो 100% सही बयान दिया है। सामने वाले के साथ अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो 100% वो बोल सकता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। जिस प्रकार से खेसारी लाल यादव और रक्षा गुप्ता का विवाद हुआ था उसी हिसाब से रक्षा गुप्ता पावर स्टार पवन सिंह को भी सोशल मीडिया के सामने बोल सकती थी, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह की रक्षा गुप्ता ने जम के तारीफ की और साथ में उनका अगले प्रोजेक्ट में काम करने का उनका अच्छी तरीका से मूड बन चुका है। तो बेशक आप समझ सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह पर जितने लोग आरोप लगाते हैं उनको रक्षा गुप्ता ने जम के जवाब दिया और 100% उनकी बोलती बंद हो चुकी है। तो बेशक इस पर आपका क्या राय चल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।